नमस्कार, मैं पिंटू सिंह यादव, आप सभी का स्वागत करते हैं न्यूज लाइव में। दोस्तों, उत्तर प्रदेश के बाहुबली विधायक पूर्व विधायक मुख्तार अंसारी के बड़े बेटे अब्बास अंसारी की मुश्किलें और भी लगातार बढ़ती नजर आ रही। जिस तरीके से भगोड़ा घोषित होने के बाद पहली बार वो कोर्ट पहुंचे थे, उसके बाद ईडी ने 7 दिन के हिरासत में ले लिया, और जिस तरीके से ईडी लगातार शिकंजा कस रही है, सवालात कर रही है, उससे लगातार अब्बास अंसारी जो है वो कहीं ना कहीं पूरे फंसते नजर आ रहे हैं। और कहा यह जा रहा है कि अब्बास अंसारी को ईडी जो है वो सलाखों के पीछे भेज सकती है। लेकिन इस एक बार फिर से मुश्किलें अब्बास अंसारी की उस समय बढ़ गई जब मुख्तार अंसारी के साले अतीफ को 7 दिन के लिए ईडी जो है कस्टडी में ले ली। और सबसे बड़ी बात यह है कि जैसे ही वो जेल से रिहा हुए, ईडी ने उनको कस्टडी में ले लिया, जिससे कि पूछताछ और भी बेहतर तरीके से हो सके। और अगर पूछताछ में बहुत बड़ा खुलासा हुआ तो अब्बास अंसारी की मुश्किलें बढ़ सकती है। दरअसल बात करें तो मनी लॉन्ड्रिंग में मुख्तार अंसारी के बेटे अब्बास अंसारी के बाद अब उनके साले सरजील रजा और फतीक की भी 7 दिन के लिए ईडी यानी कि प्रवर्तन निदेशालय की कस्टडी रिमांड मंजूर कर ली गई है। ईडी ने सजिल को सोमवार गाजीपुर के जेल से रिहा होने के बाद अपने कब्जे में ले लिया था। उसे प्रयागराज लाकर अदालत में पेश कर 7 दिन की कस्टडी रिमांड दी थी। जिला जज संतोष राय ने आय से अधिक संपत्ति रखने के मामले में मुख्तार अंसारी के रिश्तेदार अतीफ रजा को प्रवर्तन निदेशालय ईडी की कस्टडी में 7 दिनों के लिए सौंपने का आदेश दिया था। कोर्ट ने कहा है कि आरोपित को 8 नवम्बर की शाम 5 बजे से 15 नवम्बर की दोपहर 2 बजे तक ईडी की कस्टडी में पूछताछ के लिए सौंपा गया है। कोर्ट ने यह भी कहा है कि आरोपित को हिरासत में लेने और हिरासत अवधि समाप्त होने पर न्यायिक अभिरक्षा में सौंपने के वक्त दोनों ही समय आरोपित का मेडिकल परीक्षण कराया जाएगा। अदालत ने स्पष्ट चेतावनी दी है कि इस अवधि के दौरान किसी भी प्रकार का कोई थर्ड डिग्री प्रयोग कर उत्पीड़न नहीं किया जाएगा। साथ ही अदालत ने आरोपित की सुविधा भी प्रदान की है, वह इस अवधि के दौरान अपने अधिवक्ता से संपर्क कर सकता है, लेकिन अधिवक्ता ईडी की कार्रवाई में हस्तक्षेप नहीं कर सकता है। 14 दिन की कस्टडी रिमांड मांगी थी ईडी ने। ईडी की तरफ से सहायक निदेशक शरद कुमार ने कस्टडी रिमांड अर्जी कोर्ट के समक्ष प्रस्तुत किया। ईडी के अधिवक्ता ओम प्रकाश मिश्रा ने आरोपित अतीक उर्फ सरजील रजा को 14 दिन की कस्टडी रिमांड की भेजने की मांग की थी। तर्क था कि आज से अधिक संपत्ति रखने के 2 मामले में जो है अतीफ अभियुक्त है, जिसकी प्राथमिकी गाजीपुर और मऊ में दर्ज है। तो जिस तरीके से तमाम बातें हो रही है उसको लेकर चर्चा तो है, लेकिन वहीं जिला शासकीय अधिवक्ता गुलाब चंद्र ने बताया कि अभियुक्त के खिलाफ गाजीपुर में एक भूमि जबरदस्ती अर्जित कर उस पर गोदाम बनाने के आरोप में आईपीसी की धारा 420, 433, 467, 468, 120B और 3x4 धन शोधन निवारण अधिनियम 2002 के अंतर्गत प्राथमिकी दर्ज की गई है। मामले में ईडी पूछताछ कर रही है। मामला 15,31,00,000 रुपए से अधिक का है। ईडी को भी इस मामले में बहुत से साक्ष्य हासिल करने बाकी हैं। अगर ईडी की कस्टडी रिमांड में सौंप दिया जाए तो मामले से जुड़ी अहम जानकारी हासिल हो सकती है। और कहा यह जा रहा है कि उनके साले अब्बास अंसारी के बारे में और भी नई नई चीजें जो है वो कहीं ना कहीं पूछ सकते हैं, जिसको लेकर तमाम तरीके की चर्चाएं हो रही है कि अब अब्बास अंसारी जो है वो कहीं ना कहीं बुरे फंस सकते हैं। खैर, इस पर आप अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में दें। धन्यवाद।